नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आया हूँ डबरा यानी कि अपने होम टाउन, और मैं और मेरा दोस्त मयंक जो कि आया मुंबई से, हमारे डबरा में एक मंदिर बना है जो कि एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, वो की है नवग्रह मंदिर। दिखा दो जरा गेट, एशिया का सबसे बड़ा मंदिर अभी तक का है और आप देख सकते हो इसको बनवाया है हमारे श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी ने। हम राहुल गुप्ता को कॉल कर रहे हैं। राहुल कमाल हो गया दादा, आइए मंदिर पे। नवग्रह मंदिर पे मैसेज देना थे कहा मैसेज देना बोलते अबे तुम्हें फॉर्म में बोल दी कहा गया ना तीन बार बोल दी कौन से तीन बार आई एम उल्लू या आई एम चूतिया तो अभी मैं खड़ा हूँ नवग्रह मंदिर के एंट्रेंस पे जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका गेट बहुत ही अच्छा बनाया है इन लोगों ने। मैं मतलब बीच में भी एक बार आया था, उस टाइम पे काम कंप्लीट नहीं था यहाँ पे, मतलब पूरा बना हुआ नहीं था। आज भी तो पूरा प्रॉपर उन्होंने गार्डन वार्डन सारी चीज़ें पार्ट वगैरह दे के और एक बेल स्ट्रक्चर्ड जो मंदिर होता है वो बनाया है। मतलब बहुत दूर दूर आप अक्षरधाम जाओगे तब शायद आपको ऐसा मंदिर देखने को मिले। बट अगर बात करें नवग्रह मंदिर की तो ये एशिया का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर बताया जा रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नवग्रह सरोवर में। अगर आपके पाप गंगा में भी नहीं धुल पा रहे हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं धोने के लिए उसको। ऐसे आपके पाप सिर्फ घुटनों तक धुल पाएंगे क्योंकि पानी कम है सरोवर में। हाँ गाइस, यहाँ पे पाप नहीं धुलेंगे आपके, यहाँ पे पानी अभी कम है। अगर आपने घुटनों तक पाप किए हैं तो आपके पाप धुल सकते हैं, पूरे तो नहीं धुलेंगे। जैसा जैसा माहौल बढ़ता जा रहा है पाप बढ़ते जा रहे हैं, बिना परमिशन के बना रहे हैं अपन। तो मिश्रा जी बैठे हैं यहाँ पे डंडा लेके। बिन्न पहुँच गई तो तुम डंडा आ जाओ। डरो मत, वीडियो बनाओ तुम लोग। मिश्रा जी की जय हो। ये देखो कितना सारा स्पेस है यहाँ पे, कितनी सारी गैदरिंग हो सकती है घासनी घाटी इसकी, और इसीलिए इसका राउंड हम देने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उधर सारे रूम टाइप के बने। तो गाइस, सफलता के दो रास्ते होते हैं, एक बहुत कष्ट भरा हार्डवर्क वाला जो आपको मंजिल की तरफ ले जाता है, और एक होता है शॉर्टकट। और जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वो बहुत कामयाबी को छूते हैं और बहुत कष्टों से होकर गुजरते हैं। तो सलाम है भाई ऐसे लोगों को, ये वाला रास्ता मत चूज करना आप, उस वाले से आना। तो साथियों, मंदिर में मूर्तियां स्थापित नहीं हुई हैं और प्रतिमा तो सूर्यवर्धन की बनने वाली थी, लेकिन इसमें तो गरुड़ा की निकली। यहाँ पे गरुड़ा का मतलब हमारे मिश्रा जी से। तो यहाँ पे भी दो मूर्तियां स्थापित हुई हैं, यानी कि एक तो शिवलिंग है और एक हमारे भोले बाबा की मूर्ति है जो कि ऊपर आप देख सकते हो। बाकी मंदिर के अंदर जो भी मूर्तियां आने वाली हैं या फिर जो भी स्थापित होंगी, जो भी जितनी भी मूर्तियां आई, नौ ग्रह की मूर्तियां आने वाली हैं, दिसंबर में आएंगी। तो आप फिर से मिलेंगे एक और प्रॉपर ब्लॉक के साथ, वो भी दिसंबर में। आज के लिए इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप फॉलो करते रहिए वीर फिटनेस को इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। फिर मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।